हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के इस एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने इंटरेस्ट के ऊपर लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आपका भरपूर प्यार मुझे मिला, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और मैं खुश हूं कि जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, जितनी मेरी नॉलेज है, आपको पसंद आ रही है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो इंटरेस्ट है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, किसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में इसका पार्ट टू आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसमें बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये किस किस से जुड़ा हुआ होता है, इसकी विशेष बातें क्या होती हैं, कौन सी ऐसी विशेष बातें होती हैं जो इंटरेस्ट को काफ़ी मीनिंगफुल बनाती हैं, इंटरेस्ट को काफ़ी हमारे लिए पॉजिटिव बनाती हैं, इंटरेस्ट को हमारे लिए जो है वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी बनाती हैं। तो इंटरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, इंटरेस्ट ही है जो हमें बाद में अटेंशन क्रिएट करने में मदद करता है और उसी से हमें गोल अचीवमेंट होती है। तो इंटरेस्ट की करेक्टरिस्टिक क्या हैं, इंटरेस्ट की विशेषताएँ क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटरेस्ट जो है इसकी कुछ विशेष बातें होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको बेल आइकन दबा करके अपनी नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर और लैपटॉप जिस पर भी आप देख रहे हो वीडियो, आप उस पर ले सकें, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि नेचर क्या होता है, इसका खास विशेष बातें जो है इंटरेस्ट की वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है उसी आदमी में क्रिएट होता है, उसी आदमी में इसके बीज पनपते हैं जिसमें इसको, जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, जो मोटिव्स होते हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसको सेटिस्फाई करती है कोई चीज़, कोई गोल, कोई एक्टिविटी, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, किसी की तृष्णा को शांत करता है, अंदर को जो है सेटिस्फाई करता है, शांत करता है, तो वो चीज़ उसके लिए इंटरेस्ट बन जाती है, वो उसके लिए पसंदीदा बन जाती है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो उसके लिए वो चीज़ जो है वो एक पसंद बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाती है, लाइकिंग बन जाती है उसकी। तो लाइकिंग किससे जुड़ी हुई है, हमारे अंदर की इच्छाओं से, हमारे मोटिव से, जो हमारे गोल हैं, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, उनसे भी जुड़ी हुई होती हैं। तो पहली विशेष बात इंटरेस्ट की ये होती है कि ये हमारी नीड्स से जुड़ी हुई होती है, ये हमारी इच्छाओं से जुड़ी हुई होती है, तभी जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वरना किसी को भी किसी बात का इंटरेस्ट क्रिएट होना संभव नहीं है। तो दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट के पीछे जो है एक मोटिवेशनल फोर्स होती है, हमेशा इंटरेस्ट अकेला नहीं होता, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए, इंटरेस्ट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है पीछे से उसको मोटिवेट कर रहा है। इस ये जो मोटिवेट कर रहा होता है, हो सकता है उसका इंडिविजुअल जो एटीट्यूड है वो उसको गाइड कर रहा हो, उसका बिहेव जो है, उसकी सोचने जो है, जो मेंटल सेट है उसका, जो उसके उसका बिहेव है वो उसको गाइड कर रहा हो। तो कोई ना कोई मोटिवेशनल फोर्स होती है, चाहे वो एक्सटर्नल ही हो, एनवायरनमेंट से भी हो सकती है, कोई ना कोई मोटिवेशनल फोर्स होती है जो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करती है। ये तो ये इसका विशेष गुण है कि ये प्रभावित होती है किसी न किसी मोटिवेशनल फोर्स से। तो दोस्तों तीसरी बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट और अटेंशन जो होती हैं, जैसे अटेंशन में मैंने वीडियो एक सीरीज बनाई थी, अटेंशन और इंटरेस्ट क्लोजली एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, किसी की अटेंशन को अगर क्रिएट करना है तो हमें इंटरेस्ट को अराउज करना होगा, पैदा करना होगा, अगर हमें इंटरेस्ट पैदा करना होगा तो किसी न किसी को हमें अटेंटिव बनाना होगा, उसकी अटेंशन खींचनी होगी। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से जो है वे जुड़े हुए हैं, ये सीधे तौर पे भी जुड़े हुए हैं और असीधे तौर पे भी। सीधे तौर पे कैसे जुड़े हुए होते हैं कि हम कोई भी चीज़ इंटरेस्ट हमें पैदा होता है तो हमारी अटेंशन खींची चली जाती है, और किसी को हमने अटेंटिव बनाना है तो हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। ये सीधी बात है, सीधा सीधा खींचे एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरे के सप्लीमेंट बन जाते हैं। तो अगर हम असीधे तौर पर इनडायरेक्ट बात करें तो इनडायरेक्ट जो है एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं जो अटेंशन को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, जिससे क्या है इंटरेस्ट कॉज होता है। तो ये इसके एक्सटर्नल
कारण है। तो मेन विशेष इसमें क्या हुआ इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में विशेष ये हुआ कि ये हमारी अटेंशन को क्रिएट करता है, और अटेंशन जो है वो एक सप्लीमेंट्री फोर्सफुल एक सोर्स बन जाती है इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो चौथी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंटरेस्ट जो है ये अक्वायर भी किया जाता है और इनेट भी होता है, यानी कि अंदर भी हमारे होता है। ये दोनों बातें जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछला वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हो पॉज करके, तो उसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो हमारे अंदर से भी पनपते हैं और इंटरेस्ट हमारे जो हैं बाहरी तौर पे जो हमने एक्वायर किया है, बाहरी तौर पे जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, बाहरी तौर पे जो हमने एनवायरनमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो उससे भी हमारे इंटरेस्ट कॉज होते हैं। इनबिल्ट तो होते ही हैं, इनेट तो होते ही हैं, लेकिन जो है ये बाहर जो एक्सटर्नल हैं वो फोर्सेस भी इसको इन इंटरेस्ट को क्रिएट करने में मदद करती हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। खास बात ये होती है कि इंटरेस्ट जो है ये हर चीज़ को जो है अपना समझता है, अपना बना करके काम करता है और अपना ही उसको बना करके रखना चाहता है। ये तीन बातें हैं, ठीक है ना, उसको अपना समझता है, अपना बना करके रखना चाहता है, उसके लिए अपने पंक्ति के तौर पे ही काम करता है। कैसे, मान लो कोई चीज़ मुझे पसंद है, मान लो कि मुझे गेम पसंद है एक, मान लो मैं जो रेसलिंग है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे रेसलिंग की गेम देखने में बहुत पसंद है, तो मैं कबड्डी वगैरह भी देखना पसंद करूँगा उसके साथ में, है ना। कोई ऐसी गेम जिसमें कुश्ती वगैरह हो, जिसमें जो है रेसलिंग वगैरह हो, उसके तत्व हो, ऐसी गेमें सारी मैं जो है मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। तो इंटरेस्टिंग मीन्स के वो जो भी उसको महसूस करता है उसको अपना समझता है, कोई भी गेम है उसको अपना समझता है, जिससे क्या है उसकी मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी अटेंशन भी क्रिएट हो जाती है और गोल आसानी से वो अचीव कर सकता है। मीन्स टू से कि वो उस गेम में भी सफल हो सकता है और उससे रिलेटेड गेम्स में भी सफल हो सकता है और उससे मोटिवेशन लेकर के किसी और गेम में भी सफल हो सकता है, ठीक है जी। तो छठी बात दोस्तों कर लेते हैं कि इंटरेस्ट का ये खास गुण है कि ये हमको सेटिस्फाई करता है, जिसका खास सबसे बड़ा गुण है कि हमको सेटिस्फाई करता है। कोई भी हमको अगर इंटरेस्ट है किसी बात का, तो हम अगर वो काम करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, वो ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, हमें अंदर से बहुत सारा सुकून मिलता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स ये समझता है कि मैंने गोल अचीव कर लिया है। और जब कोई आदमी गोल अचीव करता है तो आप जानते ही हो कि उसका जो सेटिस्फाइंग लेवल है वो किस डिग्री तक चला जाता है, वो कितना अंदर से खुश होता है, उसकी जो बहुत सारी इंटरनली जो इलनेस है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी ऐसी इंटरनली उसको साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं, अंदर से साइकोलॉजिकल रोग होते हैं जो सेटिस्फाइंग के थ्रू उसके ख़त्म होने शुरू होते हैं। तो दोस्तों सातवीं बात कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है ये हमारी मदद करता है कि जो भी लर्निंग में हमें मुश्किलें आती हैं, लर्निंग में जो भी प्लेटूस बनते हैं, मींस के कोई भी खड्डे बनते हैं, कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो लर्निंग में इंटरेस्ट अगर पैदा होता है तो वो उसको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसमें फटीग की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है, वो फेलर अगर सोचता है कि मैं फेल हो जाऊँगा तो इसका भी उसको जो है नेगेटिवली असर कम होता है, क्योंकि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो चुका होता है। तो इंटरेस्ट का मेन स्पेसिफिक गुण है ये कि ये जो है ये फटीग को भी ख़त्म करता है, फेलर की जो डर होता है फेलर का उसको भी ख़त्म करता है, और साथ के साथ जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों आठवीं बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है हमें मेंटल रेडीनेस प्रदान करता है। मेंटल रेडीनेस क्या होती है कि दिमागी तौर पर हम किसी काम करने को तैयार नहीं होते कई बार, लेकिन इंटरेस्ट अगर हम में पैदा हो गया, इंटरेस्ट अगर हम में क्रिएट हो गया, तो क्या होगा कि हम जो हमारा दिमाग है हम मेंटल रेडी हो जाएंगे, मेंटली उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत सारा काम आसान हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कामों में हमारा मेंटल सेटअप बन ही नहीं पाता, लेकिन इंटरेस्ट ऐसा स्पेसिफिक गुण लेके आया है, इंटरेस्ट में ऐसा स्पेसिफिक गुण होता है जो क्या करता है कि हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर देता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। किसी गोल को पाने के लिए हमारे दिमाग को पहले से ही तैयार कर देता है कि मैंने इसको पाना ही पाना है। जो
मनुष्य है उसकी भी वृत्ति होती है अंदर से, उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी होती हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट के थ्रू कुछ चीज़ें लाइकिंग में चेंज हो जाती हैं, पसंदीदा बन जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा माइंडसेट जो है उसको आसानी से परसीव करता है, और जब माइंडसेट हमारा आसानी से उसको कर पाता है तो हम गोल को अचीव करने में दिक्कत महसूस नहीं करते और फेलर का डर भी हमारे सामने कोई ज़्यादा मायने नहीं रख पाता। तो ऐसा जो मेन स्पेसिफिक गुण है जे इंटरेस्ट का सामने लेकर आता है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि किसी खास बात को लेकर कहीं हो, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर की हो, किसी एक्टिविटी को लेकर ही हो। ये जो है किसी प्लेसेस को लेकर भी हो सकता है, किसी आइडिया को भी लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को भी लेकर के हो सकता है, और किसी अननोन थिंग्स, जैसे हम खुदा की बात करते हैं, रब की बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं, उसके लिए भी इंटरेस्ट हमारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ ही हमारा इंटरेस्ट होता है। हमारा जो है अनयूजुअल, जो अननोन चीज़ें होती हैं, जो हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, उनकी तरफ भी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ये इंटरेस्ट की खास बात है, जो ये इंटरेस्ट का गुण है, ये किसी भी लाइन पे, किसी भी एरिया पे ये अपना फोकस बना के रख सकता है। तो दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है ये कभी भी फिक्स नहीं होता। दोस्तों इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, मान लो कोई चीज़, कोई काम मैंने शुरू किया, मान लो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो उस बिजनेसमैन बनने में जब मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ तो बहुत सारी बातें मैंने एक्वायर की, बहुत सारा बिजनेस के बारे में मैंने सीखा। ऐसा भी मैंने कहा है, बिजनेस मेरा बहुत बढ़िया चला भी, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें कम होना शुरू होगा। कम क्यों होना शुरू होगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइंग लेवल मेरा उस स्तर पर पहुँच चुका है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, जहाँ मुझे इसका ज़्यादा अब बोझ नहीं लगता, जहाँ ज़्यादा इसमें मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट का स्वरूप जो है, इंटरेस्ट जो है फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। वो बिजनेसमैन जो, जिसने वो इंटरेस्ट से वो बिजनेस क्रिएट किया है, सेटअप किया है, तो हो सकता है कि वो आगे सोच रहा हो कि मैं इस बिजनेस से अब कन्वर्ट करूँगा अपने बिजनेस सेटअप को किसी और काम में। तो ऐसा होता है दोस्तों के जो इंटरेस्ट है वो मेन फीलिंग्स लेकर के चलता है, जो परमानेंट नहीं होती, तो ये बदलती रहती हैं, ये भी इसका खास गुण है। तो ये दोस्तों कुछ 7-8 पॉइंट मैंने आपको बताए जो इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी रोचक हैं, जिससे पता चलता है कि इंटरेस्ट एक्चुअली क्या स्वरूप है इसका, और उसके क्या गुण होते हैं जो हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपने देखने के बाद कमेंट जरूर करना है कि मुझे और अच्छा इसे कैसे बनाना होगा, या कौन सी बातें मुझे आपको अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।